साथियों कृषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है हम डिंडोरी ज़िले में हैं डिंडोरी ज़िला मिलेट के नाम पे श्री अन्न के नाम पे बहुत प्रसिद्ध रहा है लेकिन एक और तरह की खेती यहाँ पर होती है तो हम आए हैं डिंडोरी ज़िले के समनापुर में यहाँ के प्रगतिशील किसान बलवंत जी से हम जानेंगे कि वो यहाँ किस तरह की खेती करते हैं आपका स्वागत है सर कृपया अपना परिचय दीजिए जी मेरा नाम बलवंत है और मैं पिछले लगभग 25 सालों से खासकर जैविक खेती और खासकर जो मेडिसिनल प्लांट है उस पर मैं मुख्य रूप से काम करता हूँ और मुख्य रूप से अगर हमें देखें तो ये जो हमारा एक पूरा एक छोटा मतलब अगर ये देखें तो एक फार्म फार्म हाउस जैसे है जिसमें हमने बहुत प्रकार की अलग अलग हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट को लगाया है कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं यहाँ पर इसमें अगर इस पूरे बगीचे में हम जो देख रहे हैं इसमें तो मुख्य रूप से अगर ये देखें तो हम लोगों ने काली हल्दी को मुख्य रूप से लगाया है काली हल्दी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप जी ये काली हल्दी है और ये मुख्य रूप से देखें तो ये बहुत ही मतलब रेयर है ये मतलब लगभग लगभग खत्म हो गई थी इवन मैं जब डिंडोरी के इसमें खासकर बैगा लोगों के पास में होती थी और वहाँ के जंगलों में मुख्य रूप से थी लेकिन पिछले समय से मतलब हम लोगों ने जब यहाँ पे काम की शुरुआत की तो हम लोगों ने इसको कैसे मतलब यहाँ पे जो बहुत सारी मतलब अगर हमें देखते हैं कि जो ये पूरा नर्मदा का जो मतलब जो तट वाला और जो खासकर अगर हमें देखे तो मैकल सूता और जो मतलब हमारी अगर ये देखते हैं कि जो सतपुड़ा वाला जो पहाड़ी वाला एरिया है तो यहाँ पर बहुत मात्रा में मेडिसिनल मिलते थे लेकिन वो धीरे धीरे मतलब ख़त्म होते गए ये तो बहुत आपने बताया कि बैगा लोग यहाँ पर इसकी खेती किया करते थे या उनके यहाँ उपलब्ध होता था तो क्या कारण है कि ये कम हो गया एक्चुअली खेत बैगा लोग खेती नहीं करते थे उसका संरक्षण करते थे और उसको मतलब आगे में वो बेचते थे अपने जीवन में उपयोग करते थे मुख्य रूप से अगर हमें देखें तो वो बैगा लोग अगर ये देखते हैं तो वो जंगल के जानकार हैं और उन्होंने बहुत सारा चीज मतलब इसको अगर ये देखे कि उनके बारे में वो जानते थे और वो नेचुरल रूप से सब आती थी लेकिन जिस प्रकार का मैनेजमेंट जंगलों का हुआ और उसके कारण से जिस प्रकार से मेडिसिनल और जो अलग अलग मतलब हम ये देखते हैं कि वाइल्ड चीज़ें हैं जो लगभग ख़त्म होते गई तो उसमें से फिर हम लोगों ने एक जंगल अध्ययन मंडल बनाया हम लोगों ने 2003 में जंगल अध्ययन मंडल की शुरुआत की और उसमें फिर हम लोगों ने इसकी एक मतलब अध्ययन किया कि कौन कौन सी ऐसी जो मेडिसिनल प्लांट है वो आज की स्थिति में विलुप्त हो रहे हैं तो उसमें एक चीज़ था काली हल्दी इसके तो, इसके मेडिसिनल गुणों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप बिल्कुल ये जो काली हल्दी है जैसे खासकर आयुर्वेद में तीन चीज़ बोलते हैं सित पित्त और वात जो तीन प्रकार की जो बीमारियाँ होती है ये अगर मतलब कहीं पर भी अगर हमें देखें कि अगर ये संतुलित नहीं है नॉर्मल नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को वो बीमारियाँ हो सकती है तो इसको लेके मतलब मुख्य रूप से जो सित संबंधित जो बीमारियाँ हैं जैसे उदाहरण के लिए कफ का आना दूसरा अगर ये देखें कि घुटने वगैरह में प्रॉब्लम होना या फिर और भी अगर हम ये देखते हैं कि जैसे पेट संबंधित कुछ रोग है या मतलब जैसे सर्दियाँ वगैरह हैं तो उसके लिए बहुत ही गुणकारी है मुख्य रूप से मैं आपको इसका दो उदाहरण देता हूँ कि कितने से कितनी पुरानी अगर खांसी है और उसका अगर एलोपैथी में अगर कोई इलाज नहीं है तो इससे मतलब हम बेटर ढंग से इलाज कर सकते हैं कितनी तो, पुरानी खांसी तो ये इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है दवाई के रूप में और इसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होता है ये लगभग हम मतलब जून माह में लगाते हैं और ये दिसंबर में लगभग परिपक्व हो जाती है तो इसमें कंद आते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के मतलब इसमें देखते हैं दो प्रकार के कंद आते हैं एक जो पूर्ण कंद होते हैं जो एक प्रकार से पक चुके होते हैं जैसे अगर हम उसको तोड़ के देखेंगे तो ब्लैक रहता है और तो वो जब ब्लैक स्थिति में हो जाता है तो वो परिपक्व हो जाता है उसका फिर हम यूज कर सकते हैं तो उसको या तो मतलब हम सुखा के और फिर उसकी मतलब हम पाउडर बना लेते हैं और उसको तो शहद के साथ में ये करते हैं या फिर डायरेक्ट ही हम उसके मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे सुपारी के रूप में भी अगर लोग सुबह शाम में ये करेंगे तो ये मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका फ़ायदा मिलता है जी काली हल्दी के अलावा और कौन से औषधि पौधे लगाए हैं यहाँ पर आपने मैंने मतलब अगर हमें देखें तो मुख्य रूप से काली हल्दी के अलावा हम लोगों ने जंगली प्याज लगाया है तेलिया कंद लगाया हुआ है जंगली अदरक लगाया हुआ है यहाँ पे सतावर लगाया हुआ है वच लगाया हुआ है उसके अलावा अगर हमें देखते हैं तो यहाँ पे जो ब्रह्मराकस बोलते हैं जो मतलब जो पत्थरों पे उगता है जिसका मुख्य रूप से खासकर दर्द और अलग अलग इलाज में काम आता है तो हम लोगों ने वो लगाया है उसके अलावा अगर हमें देखें तो एक जो मतलब जिसको चित्तावर बोलते हैं जो खासकर हर्ट की बीमारी के लिए होता है वो भी हम लोगों ने लगाया है तो उसमें हम लोगों ने कुल मिला के यहाँ पर 25 प्रकार की अलग अलग प्रकार की वनस्पति हम लोगों ने लगाई है तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर हमें देखते हैं तो जो ये है वो है काली हल्दी है और ये काली हल्दी की जो विशेषता है कि जहाँ पर जिस मतलब खेत पे या जहाँ पे अगर जिस प्लॉट पे लगेगा तो बहुत सारे जो मतलब कीट जो हैं जो खासकर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं उसको आने नहीं देंगे इसकी गंध इतनी अच्छी होती है और आप जैसे ये देखेंगे इस पर कोई कीड़ा नहीं आता है तो जिसको बोलते हैं नेचुरल पेस्टिसाइड का भी ये काम करता है कि इसके गंध से इसके मतलब जो व्यवहार से अगर हमें देखें तो वो ये होता है दूसरा अगर हमें देखें कि ये ज़मीन को बहुत उपजाऊ करती है लगातार अगर हमें देखें कि इसके आसपास में ऐसे चीज़ें होते हैं जिनको मित्र कीट ये बोलते हैं तो वो उसके में भी ये फ़ायदा ये करता है तीसरा अगर हमें देखें कि ये छाए में आराम से हो सकता है कि इसके लिए जैसे अगर हम ये देख रहे हैं जैसे हम सामने में देख रहे हैं कि अमरूद का पेड़ लगा हुआ है इधर में जामुन का पेड़ लगा हुआ है हमारा मतलब अगर ये देख रहे हैं तो मतलब हमारे जैसे आंवले के पेड़ लगे हुए हैं इनके नीचे में भी आसानी से हो जाता है तो जैसे कई बार जो किसान को ये लगता है ना कि भाई छाए में फसल नहीं हो सकती तो मुझे लग रहा है कि बहुमूल्य होता है और इसके बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम ये देखें तो डिमांड है आज की स्थिति में तो आपकी जंगल अध्ययन जो टीम है उसमें क्या युवा साथी भी शामिल है इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने युवाओं को शामिल किया था कि अध्ययन में युवा रहेंगे लेकिन इस अध्ययन में जो सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ के जो मतलब बुजुर्ग हैं जिनको हम वैद्य बोलते हैं वैद्य हैं जो खासकर बहुत जानकार हैं हर एक अगर हम जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर किसी बैगा को अगर ये पत्ते को दिखाऊँ तो बता देगा कि इसका नाम क्या है इसका गुण क्या है ये कहाँ पर मिलता है किस प्रकार की भूमि पर मिलता है इसका क्या सेवन करना चाहिए इसका फल यूज आएगा या फिर इसका मतलब फूल यूज में आएगा या जड़ आएगा या तना आएगा या पत्ते आएंगे तो वो पूरा चीज़ बता सकते हैं तो क्या इन सभी जानकारियों का आप किसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं जी हम लोगों ने मतलब कोशिश ये की है कि मतलब ऐसे चीज़ मतलब वही उन युवाओं को सिखा के और उनका एक मतलब हम लोगों ने एक रजिस्टर तैयार करवाया है उसमें वो अध्ययन करते हैं और उसमें जो अध्ययन करते हैं कि अलग अलग इसमें जैसे हम लोगों ने इस पूरे बैगछिक क्षेत्र के तीन चार मतलब जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है जैसे एक महारिषि का जंगल है दूसरा अगर हमें देखें तो कसई कुंड का जंगल है जो खासकर दो ब्लाकों में वो जाती है नर्मदा ये मतलब सॉरी नर्मदा जी की एक जो सहायक नदी है उसका खरमेर नाम है तो उस जगह जहाँ से वो मतलब उद्गम है उस जगह को कसई कुंड बोलते हैं वहाँ पर बहुत प्रकार की अलग अलग वनस्पति मतलब जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो पाई जाती है जैसे अगर हमें देखें तेजराज है भोगराज है कामराज है हंसराज है फिर उसके बाद में ऐठी है फिर ओखद है तो ऐसी बहुत बहुमूल्य मतलब जड़ी बूटियाँ हैं तो ऐसे मतलब आठ दस जगहों को मतलब एक संरक्षण किए हैं और वहाँ पे वो अध्ययन करते हैं जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर ये देखूँ कि पानी का संरक्षण कैसे करना है सामने में हम देखेंगे एक छोटा सा बोरवेल है वो अगर हमें देखें तो अस्सी फीट है तो हम कई बार जब पानी कम हो जाता है तो हमको लगता है कि भाई हम दूसरा बोर ये करें तो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोगों ने कैसे वाटर का रिचार्ज कर सके कैसे अलग अलग मतलब हमारी मेडिसिनल को हम ला सकें कैसे जैविक खेती को हम प्रमोट कर सकते हैं उसमें से हमारा कैसे होगा कि मतलब हम कौन से पौधे के साथ में या कौन सी फसल के साथ में कौन सी चीज़ लगाएं जैसे अगर हमें देखें कि अगर जैविक खेती करना है तो चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है एक अगर हमें देखे कि अनाज वाली फसल दूसरी दलहन वाली तीसरी तिलहन वाली और चौथी वेजिटेबल वाली ये अगर एक मतलब उसके अनुपात के आधार से लगाया जाए तो उसमें बहुत कम मतलब हमको पेस्टिसाइड मतलब नेचुरल पेस्टिसाइड से ही हम उसको मतलब एक प्रकार से मैनेज कर सकते हैं दूसरा उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है तीसरा इससे अगर हमें देखें कि जमीन भी उपजाऊ होते रहती है तो उसका हम ट्रेनिंग देते हैं तो कभी भी अगर ऐसे कुछ है, है तो निश्चित हमारे पास में आकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे युवा जो है जो गांव के जो नए पढ़ लिख के आते हैं कि आगे क्या करें आगे उनका भविष्य कैसे है बहुत लोगों को लगता है कि खेती में उनका भविष्य नहीं है तो हम लोग उस पर भी हम उनके साथ में मदद करते हैं और ये एक पूरा हमारा ट्रेनिंग सेंटर है कि पानी के कैसे रिचार्ज को लेके काम कर सकते हैं फ्रूट्स को लेके कैसे कर सकते हैं सामने में आप देखिए बाम्बू का पूरा लगा हुआ है तो बाम्बू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बाम्बू पे भी हम लोगों ने अलग अलग उसके कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जैसे उससे अगर हमें देखिए मछिया बनाते हैं उससे चेयर बनाते हैं टेबल बनाते हैं आलमारी बनाते हैं उसके अलावा और भी मतलब लगभग हम 25 प्रकार के उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि उनके स्किल कैसे डेवलप हो सके वो मतलब इस पूरी प्रक्रिया में अगर हमारे पास में उदाहरण के लिए किसी किसान के पास में अगर दो एकड़ खेत है उसका ठीक ढंग से मैनेजमेंट कैसे करें तो पहला मैनेजमेंट का जो हमारा ये होता है कि जो भी जमीन का हिस्सा है उसका पाँच प्रतिशत भाग में पानी का संरक्षण करें दस प्रतिशत भाग में ज़्यादातर मतलब फ्रूट्स वाले पेड़ करें जैसे ऐसे अच्छी मतलब बायोडाइवर्सिटी या अच्छा मतलब जो खेती का अगर हमें देखें या खासकर हम जैविक खेती का ये देखें तो कम से कम फोर्टी परसेंट केनोपी होनी चाहिए और जब भी अगर इस टाइप का होता है तो वो ज़मीन कभी भी अनुपजाऊ नहीं होती है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है जैसे मैं इस ज़मीन का ये यह बताऊँ यहाँ पर घास भी नहीं उगती थी आज की स्थिति में आप जो भी फल मतलब या जो भी ये लगाएंगे घास वगैरह सब चीज़ उगता है आप देख लीजिए अलग अलग इसमें मेरे पास में एक और ये दिखाऊँगा ये जो एक पत्ता दिख रहा है ये भी मेडिसिनल है इसका मतलब मुख्य रूप से अगर ये है देखते हैं तो यहाँ की लोकल भाषा में इसको बोलते हैं कि मतलब इसको वैसे ग्वारपाठा भी बोलते हैं और दूसरा यहाँ की लोकल भाषा में इसको बोलते हैं भसम पत्ती इसका अगर यूज आपने 21 दिन किया और किसी को अगर पथरी की अगर बीमारी है तो ख़त्म कर देगा इतना परिपक्व है उसके अलावा अगर हमें देखते हैं एक पेड़ जो ये दिख रहा है ये देखिए बहुत छोटा मतलब तैयार हो रहा है ये कसई का पेड़ है इसमें इतनी पंछियाँ आती हैं जैसे अभी आप देखिए वो सामने में दिख रहा है बहुत सारा उसमें फल दिखेगा तो ये पंछियों का भोजन होता है तो अगर जिस खेत को हम नेचुरल रूप से अगर ये करें तो पंछियों का आना बहुत जरूरी है मधुमक्खी का आना जरूरी है तो हम नेचुरल रूप से इस टाइप से हम इसको पूरा मैनेज करते हैं आपने तो एक पूरा मॉडल ही कृषि का तैयार कर रखा है अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है हे? अच्छा ये बात है क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है सम्बन्धी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है के रामागुंडम संयंत्र एच रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवी की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हम बात कर रहे थे प्रगतिशील किसान बलवंजी से मुख्य रूप से अगर हमें देखें तो इसमें हम लोगों ने एक तो पहला है ट्रेनिंग का जो ये है कि हम यहाँ पर लाके क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे किसान बहुत बार सुनने पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते उतना उत्साही नहीं होते तो उनको जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ जब देखते हैं तो उनके मन में एक मतलब खुद से ही एक जिज्ञासा बनती है और जब किसी में जिज्ञासा हो जाए तो उसको ट्रेंड करना वो एक बहुत आसान होता है तो हम लोगों ने पहला मतलब इसका एक प्रयोग ये किया है कि वो आके देखें और उनके मन में कुछ सवाल हों खासकर अगर हमें देखिए कि उनका एजुकेशन पूरा हो जाता है उसके बाद में क्या करें तो ऐसे बच्चों को हम ला के यहाँ पर उनको मतलब अलग अलग मॉडल दिखाते हैं उनको ट्रेंड करते हैं तो इस टाइप से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एक और नई चीज़ मुझे जानकारी में आई बैगानी अरहर तो वो अरहर बाकी नॉर्मल तुअर दाल से कैसे अलग है Uh, मैंने जैसे जब ही बात एक की थी कि जैसे चार चीज़ें जो ये की थी तो उसमें जो दलहन वाला ये है तो जो हमारी परंपरागत जो दलहन के जो ये थे जो जिनमें एक प्रकार से जैसे मैं आपको सामने में उदाहरण दिखाऊं तो ये है झुंझुरू वैसे ही होता है बैगानी अरहर ये अगर आप ये देखेंगे कि एक बीज अगर हमें डाल दें और उसको अगर ठीक ढंग से अगर मतलब हम प्रमोट करें तो वो लगभग एक किलो तक उसका मतलब हमको प्रोडक्शन मिल सकता है और उसमें देखिए किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगा है किसी भी प्रकार का हमने उसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला किसी भी प्रकार का हमको मतलब खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो बैगानी अरहर को मतलब धीरे धीरे अगर हमें देखे कि एक जो उसमें जो दिक्कत आ रही थी कि क्या होता था कि वो जब जिस समय में फ्लावर का स्टेज और जब थोड़े उसमें फ्रूट्स जब बनते हैं उस समय पाला गिरता है तो उसके कारण से फसल बहुत चौपट हो जाती थी लोग क्या करें इस कारण से धीरे धीरे उससे मतलब हट गए थे तो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो इसके लिए पहला जो काम शुरुआत किए कि मतलब उसकी जो बुआई है वो समय पे हो दूसरा एक अमृत पानी करके जो मतलब ये होता है खासकर जो नेचुरल मतलब वो पेस्टिसाइड का भी काम करता है खाद का भी काम करता है उसको अगर डाल दें तो फिर उसका पाला का प्रभाव ऐसे ही कम हो जाता है तो ऐसे अलग अलग चीज़ हो और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने यहाँ पर एक और चीज़ है आठ प्रकार के ट्यूबर भी लगा के रखे हैं कुछ ट्यूबर है जो मतलब हमारा अगर ये देखें तो वो यहाँ का अगर हमें देखते हैं कि सीजनेबल है और कुछ मतलब जो परमानेंट है तो वो भी हमने लगा के रखा है बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी आपने बहुत अमूल्य जानकारियाँ दी आपका मॉडल बहुत कमाल का है इससे बहुत सारे किसानों को प्रेरणा मिलेगी चलिए धन्यवाद सर तो ये थे बलवंत जी और जहाँ चाह वहाँ राह इनकी तपस्या एक तरीके से इन्होंने कृषि का एक नया मॉडल हमारे सामने पेश किया जो अन्य किसानों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह है अन्न के रूप में यानी जो मिलेट्स के रूप में जो अन्य विख्यात हैं उनके बारे में हम जानेंगे आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी एन श्रीवास आइए उनसे जानते हैं इन अन्न के बारे में सर। जी, नमस्कार सर ये बताएं ये सामने कौन सी फसल ये जो अपन सामने जो दिख रही है ये कोदो की फसल है और जो उसके पीछे है वो रागी भी है यहाँ यहाँ सामान्य तौर से ये कोदो की फसल और कुटकी की फसल इन ज़िलों में ज़्यादातर यही मुख्य रूप से उगाई जाती है कोदो का धीरे धीरे रकबा कुटकी के कारण घट रहा है कारण ये है कि दोनों के भाव में जब किसान इसको बाज़ार में ले जाता है तो दोनों के भाव में लगभग दुगने का फर्क आ रहा है इसके चलते किसान अब धीरे धीरे कुटकी के ऊपर ज़्यादा रुचि रख रहे हैं बसरते की कोदो लगाएं क्योंकि कोदो की जो फसल है ये कुटकी की फसल से लगभग एक महीने बाद पकती है और इसकी फसल की खेती करने के लिए लोगों को एक बार कम से कम निराई करना पड़ती है तो उससे बचने के कारण ये कुटकी की फसल के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कुटकी साठ पैंसठ से सत्तर दिन में पक जाती है और उसको एक बार साफ़ सुथरा करके बोने के बाद सीधे कटाई करना पड़ती है और भाव भी अच्छा है इसलिए लोग कुटकी के तरफ और इसमें सर उत्पादन में कितना अंतर होता है उत्पादन में कोदो की चूँकि ये तीन साढ़े तीन महीने की फसल है तो ये तो तय है कि उत्पादन में यदि सही तरीके से लगाएंगे तो कुटकी से ज़्यादा पैदावार आती है पर चूँकि बस जो रेट का कारण जो है वो उनका जो अब रुचि है वो कुटकी के तरफ जा रही है इसमें सर विशेष रूप से मैं जानना चाहूँगा कि अभी ज़्यादातर लोग इसे बीमारी में खाने की बात करते हैं कि कोदो कुटकी इन सब का इस्तेमाल बीमारी में किया जाता है पर इसे तो रोज़ दिनचर्या में अपने आहार में भी शामिल किया जा सकता है जी हाँ तो वैसे तो जो इस ज़िलों के जो पूर्वज हैं वो तो लगातार कोदो कुटकी को खाते चले आ रहे हैं तो उसका कोई बीमारी से वैसे ताल्लुक नहीं है पर यह है कि चूंकि ये पौष्टिक आहार था इसीलिए वो तंदुरुस्त इसी में तंदुरुस्त रहते थे और उनको कोई भी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी और इसीलिए वो तो उपयोग कर रहे हैं पर चूँकि अब सामान्य यदि दूसरे जिले के लोगों को यदि इसका उपयोग करना है तो वो बीमारी के साथ साथ चूँकि इनकी पौष्टिकता भरपूर है इनमें आयरन जिंक आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो आपको जो इन चीज़ों की जिनको कमी हो जाती है वो इससे भरपाई पूरी हो जाएगी तो श्री अन्न की यहाँ पर सर कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और प्रति हेक्टेयर अगर उनका उत्पादन बताया जा सके यहाँ पर श्री अन्न की मुख्य रूप से दो फसलें ही पैदा की जा रही हैं जिसमें कोदो और कुटकी रागी का बहुत कम एरिया है और बाकी की जो दूसरे भी श्री अन्न हैं उनकी खेती यहाँ नहीं की जाती है क्या उनके कुछ के नाम आप बता पाएंगे मुख्य रूप से छह प्रकार के श्री अन्न हैं कोदो, कुटकी रागी सावा काकुन और चीना ये छह जो है श्रीयंध ये वैसे यहाँ पर ये सभी हो सकते हैं पर लोग अभी धीरे धीरे उसका हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कृषि विभाग भी प्रयास कर रहा है कि रागी का क्षेत्र यहाँ पर बढ़ जाए क्योंकि रागी जो है वो उसकी पैदावार कोदो कुटकी से ज़्यादा आती है तो इन्हें रोज की दिनचर्या में आहार के अलावा स्नैक्स के रूप में भी अभी प्रसंस्कृत किया जा रहा है तो चावल के अलावा रोटी के अलावा और कौन सी चीज़ें इन श्रेय से बनाई जा सकती हैं ये अन्न से उपयोग श्री अन्न का दैनिक जीवन में उपयोग करने का बहुत आसान तरीका है कि इसको कोई बहुत ज़्यादा जैसे सीखने की ज़रूरत नहीं है हर घर में इडली डोसा आपका बाकी के सारे उत्पाद बनते जो कि जिसमें अपन धान का चावल उपयोग करते हैं उनके धान के चावल के रेशों में इसके चावल का यदि उपयोग करें तो दैनिक जीवन में सारे लोग उसको उपयोग कर सकते हैं बाकी बिस्किट बनाने के लिए तो उसको बाजार से ही खरीदना पड़ेगा जो सामान्य तौर से घर में जो चीज़ें बनती है उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है तो इसे क्या विशेष रूप से आप अन्न को मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कोदों के बारे में बात करते हैं तो उस तरह से क्या थोड़ी तकनीकी रूप से बताएंगे कि किस तरह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर में फ़ायदा करती है इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है कि जैसे कैल्शियम है आदमी अरे अभी तक अरे लोग सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दूध से दूध का उपयोग करें तो रागी का यदि अपन आटा का रोज़ उपयोग करेंगे तो कैल्शियम की कभी कमी नहीं हो सकती है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको संपूर्ण रूप से यानी रागी के आटे का उपयोग करें उसको आप एक रेशो में कि टेन इंस टू टू के दस किलो यदि अपन गेहूँ पिसाते हैं तो दो किलो आप रागी उसके साथ में पिसा लीजिए और उसकी रोटी खाइए तो इसे क्या बच्चे बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं बिल्कुल इसको बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग खा सकते हैं क्योंकि वो तो सबके लिए आवश्यक है सारी न्यूट्रिएंट्स सा, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चे हो वो खास करके बच्चों के लिए तो और ही अच्छा है ये जो अपन फसल देख रहे हैं ये कोदो की फसल लगी हुई है और ये अभी इसकी बाली निकल चुकी है और अभी से लेके मुश्किल से बीस दिन और लगेंगे ये पककर तैयार हो जाएगी साथ ही इसी के आगे रागी की भी फसल लगी है उस रागी की फसल कोदो की फसल से थोड़ा समय ज़्यादा लेती है जो कि इससे भी अभी एक महीना अभी रागी के लिए लग जाएगा ये कोदो की जो फसल है अभी पैंसठ से सत्तर दिन की हो चुकी है और इसमें अभी लगभग बीस दिन और लगेंगे इसको पककर तैयार होने में नहीं कोदो कुटकी की फसल जो इस क्षेत्र में है वो इसी तरह की जमीन में ही लगाई जाती है पर इसको इसके अलावा दूसरी ज़मीनों में भी लगा सकते हैं जिसमें उसकी पैदावार बढ़ जाती है पर चूंकि इस क्षेत्र में इसी तरीके का पूरी वस्तु है पूरे ज़मीन जो है वो ऐसे ही पथरीली पथ पत, कली और से पहाड़ी नुमा है और इसीलिए यहाँ कोदो कुटकी की खेती की जाती है तो सर विशेष रूप से कोदो के बारे में ये जाना जाता है कि इसके एक प्रजाति मतौना कोदो के नाम से लोग कहते हैं तो वो मतौना कोदो और इसमें क्या अंतर जो मतौना है एक्चुअल वो हर साल आता नहीं है मतौना जैसे इस साल का मौसम है अभी चाहे जब बरसात हो रही है तो जो यदि ये फसल पकने के बाद यदि गीली हो जाती है तो उसमें एक फंगस ग्रो होता है काला पाउडर जैसे और वो चूँकि जब गहाई की जाती है तो वो सारे दाने में मिल जाती है और सारे दाने में मिल जाने के कारण यदि उसका अपन उपयोग करते हैं तो वो उसमें मतौना आता है एक नशा आता है सर इसे पहचानेंगे कैसे क्या फसल के रंग में या आकार में किसी तरह का कोई अंतर आता है नहीं इसके दाने को वो आदमी पहचान सकता है यदि काला पाउडर उसमें लगा दिख जाएगा तो आदमी समझ जाएगा कि इसमें मतौना आने के चांसेस हैं पर यदि वो साफ़ सुथरा है तो उसमें मतौना हमेशा वैसे भी नहीं आता है वो मौसम आधारित है और किसान की कटाई के ऊपर डिपेंड करता है सामान्य तौर से किसानों की जो आदत है वो पहले धान को प्रेफरेंस देते हैं अन्य फसलों को प्रेफरेंस देते हैं इसको काट के और से हीप बना के खलिहानों में रखे रहते हैं और सबसे आखिरी में गहाई करते हैं यदि इस दौरान मान लो ज़्यादा बरसात हो गई तो जो नीचे की तय है उसमें फंगस ग्रो हो जाता है और वो आखिरी में सारे दाने में मिक्स हो जाता है जिसके कारण मतौना आता है तो अगर कोई व्यक्ति गलती से मतौना कोदो खा ले तो उसके शरीर पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है सामान्य तौर से जो लोग यानी इसके अब पूरा ही सेवन करते दोनों टाइम भोजन में लाते हैं उन्हीं को ज़्यादा असर होता है बाकी जैसे अपन यदि इडली सामा डोसा में जितना चावल उपयोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हानिकारक नहीं है ना आपको पता लगेगा कि मतौना है कि नहीं है तो यहाँ से डिंडोरी ज़िले में कितना रकबा होगा अलग अलग कोदो कुटकी रागा इनका कोदो कुटकी का वैसे तो यानी अभी यानी अलग अलग रकवा यानी उसमें जारी नहीं हुआ है पर फिर भी यहाँ पर लगभग तीस हज़ार हेक्टेयर जो है इस जिनोरी जली अकेले में कोदो कुटकी का रकवा है जो कि यहाँ पर जो इसकी जो खेती है वो एक्चुअल क्या है कि एक सीक्वेंस होता है क्योंकि जहाँ पर अपन बैठे हुए ज़मीनों की उर्वरा शक्ति कम है यहाँ पानी भी कम रुकता है तो सामान्य तौर से किसान पहले साल में राम तिल की खेती करता है उसके बाद दूसरे साल कोदो की खेती करता है उसी जगह पर तीसरे साल कुटकी की खेती करता है और उसके बाद दो साल या तीन साल के लिए उस खेत को खाली छोड़ देता है और वो खाली इसलिए छोड़ता है कि अब उसकी उर्वरा शक्ति छीण हो गई है कि अब कोई फसल उसमें पैदा नहीं होगी इसलिए वो उसमें फिर वो जब तीसरा साल के बाद उसमें जानवर चरते हैं उसमें फिर से उर्वरा शक्ति फिर से बनती है तब फिर उसमें अगली बार जो है फसल लेते हैं यानी इस तरह की फसलों के लिए भौगोलिक स्थिति यानी ज़मीन का प्रकार किस तरह है इससे भी फर्क पड़ता है तो कोदो कुटकी की खेती के लिए या अन्न की खेती के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए समतल जमीन चाहिए या पहाड़ी की ज़मीन चाहिए ज़रा इसके बारे में भी सोचू वैसे तो ये अन्न की जो फसल है सभी क्षेत्रों में आसानी से लगाई जा सकती है कि जहाँ भी हल्की भूमि है जहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती है वो सारी जगह में कोदो कुटकी रागी और इससे भी ज़्यादा पैदावार दे, देगी क्योंकि ये ये भी उर्वरक चाहती है पर चूँकि मंडला डिंडोरी में इस टाइप का जो पहाड़ी पथरीला क्षेत्र है वो ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर दूसरी कोई फसल नहीं हो सकती इसलिए कोदो कुटकी लगाई जाती है और इन फसलों से जो ज़मीन का जल स्तर है उसमें कितना अंतर आता है जहाँ पर अगर इनकी खेती की जाती है जैसे धान में कहा जाता है कि आसपास वो ज़्यादा पानी की मांग करता है तो कोदो कुटकी के साथ पानी का कैसा संबंध है ज़मीन के भीतर ये जो इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता पर इसमें क्या है कि लगातार बरसात होते रहने चाहिए क्योंकि बहुत हल्की ज़मीन में लगती है जैसे आप देख रहे होंगे पीछे कि वहाँ पर ज़्यादा पत्थर है इसलिए वहाँ की यानी वहाँ के पौधे जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे पक गए हों तो पानी यानी यहाँ पर लगातार इनको हर हफ्ते दस दिन में जो पर ये है कि चूंकि बरसात की फसल है बरसात के दौरान बरसात होगी ये इस वर्ष जो है थोड़ा पानी लेट शुरू हुआ था इसलिए फसल लगाने में देरी हो गई नहीं तो कोदो कुटकी के लिए पानी पर्याप्त बरस चुका रहा तो मिलेट्स को लेकर के ये हमारी पूरी बातचीत रही बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका जी सर जी धन्यवाद कृषि दर्शन के अंक में फिलहाल इतना ही नए अंक में कृषि संबंधित नई जानकारियों के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए धन्यवाद